आप लोग की मुलाकात चुनाव आयोग से हुई है, क्या किस विषय पर चर्चा हुई? ऐसा है, लग रहा है कि हवा जो है, नहीं नहीं अच्छा अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो इनसे कह रहा हूँ ना, वो मैं आपसे अलग कहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि लग रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है। अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ दिख रहा है, उम्मीद की किरण जो है वो चारों तरफ दिख रही है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। हम लोग सब साथी गए थे इलेक्शन कमीशन के सामने और हमने चार जो मुद्दे रखे हैं उसमें से एक मुद्दा पहले का रखा हुआ है, लेकिन आज वो आंध्र प्रदेश के संबंध में था कि जो पहले से स्कीम्स और जो भी घोषणाएं होती हैं सरकार की ओर से, उस पर अक्सर प्रधानमंत्री का या केंद्र सरकार के मामलों में और प्रांत की सरकार में वहाँ के मुख्यमंत्री की तस्वीर होती है, उनकी फ़ोटो होती है, तो उस पर हमने इलेक्शन कमीशन को से निवेदन किया है कि वो पहले की स्कीम्स, चलती हुई स्कीम्स तो चलती रह सकती हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करने में जो वहाँ का मुख्यमंत्री या वहाँ का जो मुख्य नेता होता है उसकी फ़ोटो लगाई जाती है, उसको आप तत्काल उतरवा दें। और उन्होंने हमें बहुत खुशी इस बात की है, हर्ष इस बात का है कि उन्होंने कहा कि ये आदेश दिए जा चुके हैं, हमने पहले से हर जगह ये कह दिया है कि जहाँ जहाँ पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है वो कर लें, संशोधन करने की आवश्यकता है एडवर्टीजमेंट में वो कर लें। और अगर हमारे संज्ञान में, उन्होंने कहा कि आपके संज्ञान में अगर कहीं पर ऐसा आता है कि अभी भी ऐसा हो रहा है तो उसको हमको सूचित करें, उस पर हम लोग तत्काल रोक लगाएंगे। उसी के साथ साथ हमने एक बात और स्पष्ट कर दी, हमने ये कहा है कि जो चलती हुई स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोगों के कल्याण की स्कीम्स हैं, उस पर कहीं कभी किसी की हमें किसी की आपत्ति नहीं हो सकती है। कहीं ये ना कोई सोचे कि उन पर कोई रोक लगाने का कहीं दूर दूर तक प्रश्न है, लेकिन हाँ, नई स्कीम्स लागू नहीं की जा सकती हैं। और इलेक्शन कमीशन ने स्वयं ये कहा कि नई स्कीम्स हो वो तो नहीं लागू हो सकती हैं, लेकिन पुरानी स्कीम्स में भी नए बेनिफिशरीज को जोड़ने का अधिकार इलेक्शन के दौरान नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं है, ये उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। एक विशेष बात जो तमिलनाडु से आई थी उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने इस पर आदेश दिए हैं, वो ये थी कि कभी कभी जो केंद्र कार्यालय है हमारी पार्टी का, वहाँ से पोस्टर्स प्रिंट होते हैं जो कि फिर प्रांतों को भेजे जाते हैं, उन पोस्टर्स में समय समय पर वहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम या उनकी तस्वीर होती है, और वो अक्सर फिर उनके खाते में जमा कर दिए जाते हैं, उसका जो खर्चा है वो उनके खाते में इलेक्शन कमीशन डालता है। तो हमने कहा कि ऐसा ना करें, जहाँ पर हमारी पार्टी की ओर से जो हमारा जो कार्यालय है, केंद्र कार्यालय है, उसकी ओर से जहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि कहाँ कहाँ के लिए पोस्टर्स छपा के हम भेज रहे हैं, तो उनको कैंडिडेट्स के खाते में नहीं डालना चाहिए। इस पर भी उन्होंने कहा कि हम तत्काल वहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से कहेंगे कि आपके जिन नेताओं को आपत्ति है इस बात की, उनके साथ विस्तार से बैठें और उनको समझा दें और बता दें कि इस पर उनको आगे कोई कष्ट नहीं होगा, और अगर कोई कष्ट की बात उठती है तो आप हमारे संज्ञान में उसको फिर से लाएं। मैं भाईजान से कहूँगा कि ये भी कुछ अपनी बात कह दें, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है पवन खेरा जी ने, तो वो भी आपके सामने रख दें। थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ सर। हाँ आ जाओ, इधर एक और मुद्दा जो हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखा, वो जो होर्डिंग्स दिल्ली में, खास तौर पे दिल्ली में तो देखी हमने जो लग रही हैं, जिसमें उन होर्डिंग्स को किसने जारी किया वो नहीं लिखा हुआ, और कैरिकेचर्स बनाए हुए हैं तमाम विपक्षी नेताओं के, वो ममता जी हों, राहुल जी हों, अरविंद जी हों, ऐसे तमाम नेताओं के कैरिकेचर्स बनाए हैं और उनको एक तरह से भ्रष्टाचारी करार किया, और दूसरी तरफ लिखा है मोदी जी भ्रष्टाचार हटा रहे हैं। तो ये सर्वथा गैरकानूनी तरीके से होर्डिंग्स लगाए हैं। आप बिना जारीकर्ता के नाम के, वो पार्टी हो या कोई हो, आप कोई भी होर्डिंग नहीं लगा सकते। दूसरा, जो बीजेपी के सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, वो बीजेपी की जो दिल्ली की इकाई हो वो या राष्ट्रीय इकाई हो, दोनों में
अलग अलग जो इन्होंने फोटोज डाली हैं, एक ठगों का मेला करके डाली, उसमें भी विपक्षी नेताओं की फोटो डाल दी, जो गलत है, ना केवल गलत है, एक तरह से क्रिमिनल है। और एक डाला जिसमें आधा चेहरा जॉर्ज सोरोस का और आधा हमारी कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, तो उस पर हमने अपनी बहुत असहमति जताई और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो इसमें हस्तक्षेप करें एंड दे शुड इंटरवीन एंड स्टॉप दीज इलीगल एडवर्टीजमेंट्स एंड पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया विच द बीजेपी हैज इंडल्ज्ड इन टू। एक सेकेंड, अभी एक और हमारे साथी गुरदीप सप्पल जी ने भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा ये भी आपको कुछ जानकारी दें। नहीं, आप बताइए। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों ने उठाया, हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि किसी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया जा सकता, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते आप। कांग्रेस पार्टी अपने तमाम एड में ये ख्याल रख रही है, लेकिन बीजेपी ने एक नया तरीका निकाला जहाँ पे वो एक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हर कोई जान रहा है कि वो एक्टर किसको दर्शा रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन को बोला कि इस तरह के तमाम जो ऐड हैं वो इलेक्शन कमीशन की खुद की गाइडलाइन के खिलाफ हैं, उसको रोका जाना चाहिए। दूसरी बात, कई ऐसे ऐड भी हैं जो जातिवादी घृणा फैला रहे हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष को लेके भी हैं, उनको भी उतारना चाहिए क्योंकि वो कानूनन गलत हैं, वो कानूनन एक गुनाह है जो भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से हो रहा है। और तीसरी बात, बीजेपी उनके समर्थक बहुत सारे ऐसे ऐड जो विभाजक हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, वो सरोगेट ऐड की तरह चला रहे हैं, उनके समर्थक चला रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि देश के अंदर ये व्यवस्था है कि जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो इनको इन्वॉल्व करें। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार, अभी जब तक मोदी सरकार थी, तो आए दिन लोगों के पोस्ट वो कंपनियों को बोलते थे उतारने के लिए, आए दिन लोगों के हैंडल ब्लॉक करवाते थे। वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इलेक्शन कमीशन को वो टेक्नोलॉजी और वो तरीका अख्तियार करना चाहिए और एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कि आम जनता भी अगर ऐसे गलत ऐड जो सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं उसकी अगर जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे, तो जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो सोशल मीडिया कंपनीज़ को इलेक्शन कमीशन बोलकर उन ऐड को रुकवाए, क्योंकि ये ऐड इतनी बड़ी संख्या में है कि हर एक की हम इलेक्शन कमीशन को आके शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जनता को इन्वॉल्व करके इलेक्शन कमीशन को कदम उठाने पड़ेंगे ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस देश में हो, इलेक्शन में भ्रामक प्रचार को रोका जा सके, चाहे वो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से हो या उनके समर्थकों के अनऑफिशियल हैंडल के हो। ये आज हमने इलेक्शन कमीशन से अपील की है। कौन जी, आपसे सवाल सर, आपसे ये सवाल है वकील साहब, अभी बहुत समय से प्रयास हो रहा था, बहुत लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि ये जो प्रणाली है, जो भी चुनाव प्रणाली है जिसमें ईवीएम का उपयोग होता है, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में हैं। और हमारा ये मानना है कि जो भी प्रश्न चिन्ह है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी करना चाहिए। इसका एक उपाय जो था वो वीवीपैट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीवीपैट को काम करने का था। वो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर आज ये आदेश दिया है कि इस पर जवाब दिया जाए, उस पर फिर विचार करेंगे, तो हम इसका स्वागत करते हैं। 100% वीवीपैट की काउंटिंग का हम स्वागत करते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कहा है कि शाही परिवार के शहजादे ने कहा है कि तीसरी बार बीजेपी आई तो देश में आग लग जाएगी। हम तो एक शहजादे को जानते हैं, उसका नाम है जय शाह, पता नहीं वो उनके लिए कह रहे हो। शहजादा तो अब एक ही है, शाह, शहनशाह और शहजादा। अब वो आजकल उनकी भाषा बदल जाती है क्योंकि वो दिन भर अमित शाह को देखते हैं, शाम को टीवी लगाते हैं, आईपीएल देखते हैं, जय शाह को देखते हैं, इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो माहौल इस देश में बना हुआ है पिछले 10 साल से, राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से असमानताएँ बढ़ती जा रही हैं, नफरत बढ़ती जा रही है, ये माहौल बिगाड़ने की सीधी सीधी जिम्मेदारी पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की है। उनका कर्तव्य है जाएं, लेकिन जो वो कर रहे हैं, आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है। राहुल जी ने आईना दिखाया, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं में का दुरुपयोग करके, हस्तक्षेप करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके,
जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसा कि मेरे साथी सप्पल जी ने बताया, उसको ख़त्म किया जा रहा है, ये राहुल जी ने सिर्फ आईना दिखाया है कि मैच फिक्सिंग के अलावा और कुछ नहीं। पवन जी, जो जो कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई उसको लेकर अशोक लावत ने जो फॉर्मेलिटी कॉलम लिखा है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि क्या ये खिलाफ है या नहीं है, और क्या आप भी मानते हैं कि नया रूट बुक लेगा आप? हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग संज्ञान लेगा जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, खास तौर पे चुनाव से पहले विपक्षी दलों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एजेंसीज द्वारा, पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान लेगा। सर, सलमान सर, टुडे सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल टू संजय सिंह ऑन दिस, बीजेपी सेइंग दैट नाउ ओपोजिशन कैन नॉट क्वेश्चन द एजेंसी, दे कैन नॉट से दैट द ईडी वाज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग बेल टू संजय सिंह। Issue is not what they are saying. The issue is that ED conceded that he may be given bail. Otherwise, the Supreme Court would have had to take a decision, and the Supreme Court would have taken a decision because it had been a fairly longish hearing. But ED is now getting convinced that they haven't rightly arrested somebody or haven't really had somebody in custody for an appropriate reason, then one can only say ki de raaye durust hai, because they are now beginning to understand what the truth is and what the reality is. Dekhiye hindi mein ji ji, supreme court ne bail avashya diya hai, lekin supreme court ne bail ed ke concession ke baad diya hai. ed ne prayas nahi kiya ki supreme court ko convince kare ki wo bail nahi milna chahiye. ed ne swikar kiya jab supreme court ne kaha आपने उसको 6 महीने जेल में बंद रखा है, अब आपको क्या आवश्यकता है और उसको जेल में रखने की, उस व्यक्ति को, तो आप पूछ कर आइए कि आप चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से हम सुने या इस पे आप कुछ कहने के लिए तैयार हैं. तो लंच के बाद उन्होंने आके कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर इनको बेल मिल जाए. तो ईडी ने कंसीड किया है, इसका मतलब कोई ना कोई बात ईडी को समझ में आई है कि वो जो कर रहे थे वो सही नहीं था, इसीलिए कंसीड किया होगा ना, नहीं तो कंसीड क्यों करते. लेकिन बेल मिली है, इसका हम स्वागत करते हैं.